कोरोना वायरस को लेकर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के 5 सदस्य टीम ने आरा के अनाइट एवं जगदेव नगर मोहल्ले में नाली एवं मकानों में मच्छर मक्खी दवाएं एवं सैनिटाइजर किया गया। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि इस विकट संकट के घड़ी में सभी पार्टी के एवं सभी समाज सेवी को सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हुए अपनी टीम बनाकर जो जहां है वहीं से अपना कार्य शुरू कर सकते हैं ताकि कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति को कुछ मदद मिल सके। एक छोटा सा प्रयास जारी करके देखा जा सकता है। जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बबन यादव ने कहा कि जन अधिकार युवा परिषद का 5 सदस्य टीम बनाकर पूरे बिहार में अपने अपने जगह में कार्य किया जा रहा है। जन अधिकार पार्टी की युवा परिषद युवा लाचार गरीब दहाड़ी मजदूर हैं जो भूखे। पार्टी की ओर से सभी मोहल्ले में एक एक करके जो है और छिड़काव करके सैनिटाइज किया जा रहा है कि रोग यह फैले नहीं, क्योंकि मक्खी से भी यह बीमारी जो है फैलने का आशंका लोगों को है। ये तो कार्य नगर निगम और पार्षद का होता है। नगर निगम तो हाथ खड़ा कर दिया, नगर निगम के पास कुछ है नहीं। हम लोगों ने 10 मशीन खरीद करके और अपने कार्यकर्ता के माध्यम से सब जगह छिड़काव करवा रहे हैं और लोग बीच जागरूकता पैदा कर रहे हैं हम लोग कि साफ सफाई रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो यहाँ पर अभी जो आप लोग छिड़काव कर रहे हैं आपके जिला अध्यक्ष ही लगे हुए हैं क्योंकि बहुत कम कार्यकर्ता भी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो पहला हमको लगता है कि किसी पार्टी राजनीतिक दल से एक आपके अनवर आनंद दिखाई दे रहा, दूसरा आप लोग दिखाई दे रहे हैं। पत्रकार लोग हम लोगों से आप लोग ज़्यादा जानते हैं। पार्टी की ओर से जितनी क्षमता है हम लोग हर एक पहलू पर मदद करने का काम कर रहे हैं। आज शाम से जन अधिकार युवा परिषद के ओर से आपको भोजन का वितरण, एक भी आदमी भूखा नहीं सोए, इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और आज शाम से भोजन भी चालू हो जाएगा। सब जगह एक एक करके लोग ले जा करके और भोजन पहुंचाने का काम करेंगे। आज जन अधिकार पार्टी भोजपुर इकाई के द्वारा सभी जगह सारे शहर में जितने भी है, जितना हम लोग का सपोर्ट रहा है, जितने भी लोगों को हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं और जो मेंटेन करना चाहिए कोरोना वायरस को लेकर वो मेंटेन करते हुए सारे गली उली में छिड़काव हम लोग कर रहे हैं लगातार। हमने अपने और कार्यकर्ताओं से आग्रह किए हैं कि सारे लोग अभी आ जाएं और शाम में जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, जो फंसे हुए हैं, भूख से तड़प रहे हैं, उनको भोजन के लिए शाम को व्यवस्था हम लोगों ने कराए हैं लगातार। अभी हम लोग का चौथा दिन है मेरा लगातार।